आप सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जो हमारे बिगनर पार्टनर है उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो जिनके तबले पर हाथ नहीं बैठ रहा हो, जो अच्छे से तबला नहीं बजा पा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही अति आवश्यक बोल होगा। दोस्तों अगर वो लोग इन कायदा और पलटा को सीखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो कोई भी बोल बजा सकते हैं। उनको बोल निकासी का भी पता चल जाएगा किस प्रकार से कैसे बजाना है, बोल निकासी कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी उनको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक पलटा को सीखेंगे। कायदा तो हम लोगों ने सीख लिया था, अब एक पलटा है उसको भी सीखेंगे। साथ में भी कुछ पलटे हैं तो वो भी हम लोग एक एक करके पलटा सीखेंगे। अगर मैं आपको एक ही बार मैं सारा लेसन दे दूं तो समझ में नहीं आएगा, वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, क्या सीखे नहीं सीखे, तो इससे दिक्कत होता है, ठीक है। सबसे पहले आइए हम लोग एक एक पलटा करके सीखें। पलटा नंबर फर्स्ट सीखते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए पलटा नंबर फर्स्ट का बोल है, धाती धाती धाधा धातिन, धाती धाती धाधा तीना, ताती ताती ताता धातिन, धाती धाती धाधा धीना, इस प्रकार है, ठीक है। धाती धाती धाधा धातिन, धाती धाती धाधा तीना, ताती ताती ताता धातिन, धाती धाती धाधा धीना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक एक बोल को सीखेंगे ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल में कैसे बजाना है, एक एक बोल को तोड़ करके सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे धा हो गया, तो धा को कैसे बजाना है, तो धा कौन कौन से शब्द डग्गे पर क्या लगता है और चाटी पर क्या लगता है। तो दोस्तों धा बजाने के लिए चाटी पर लगता है घे और डग सॉरी चाटी पर लगता है ना और डग्गे पर लगता है घे, ये दोनों मिलकर के बन जाता है धा, ठीक है। दोस्तों आइए इसी प्रकार से हम लोग एक एक बोल को ट्यूटोरियल में सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बजाना है, धाती धाती धाधा धातिन, धाती धाती धाधा तीना। सबसे पहले इस बोल को सीखते हैं, ठीक है, जो हमारा भरी भाग है, ठीक है। देखिए धाती ती धा चाटी पर ना और डग्गे पर घे, ठीक है ना, इसे ना भी कहेंगे और ता भी कहेंगे, ठीक है, ना ता ना ता, ठीक है, और डग्गे पर घे घे और चाटी पर ना और डग्गे पर घे, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा धा, ठीक है, धा, इस प्रकार से धा, ठीक है। धा ती ती स्याही के बीचों बीच, ठीक है, ती धा ती धा ती धा धा धाती, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। धाती धाती धा धा धाती 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 धा धाती ना, ठीक है, इस प्रकार से धा ती धा ती धा धा धाती, ठीक है, धा धा धाती धा धा धा, ये तीन बार है, उसके बाद है ती, ठीक है, धा धा धाती, ठीक है। देखिए धाती धाती धा 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 तीन, ठीक है, धाती धाती धा धा तीना, ठीक है। देखिए इस प्रकार धाती धाती धा धा तीना। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि तीन कैसे बजाएंगे, तीना कैसे बजाएंगे, तो दोस्तों तीना बजाने के लिए क्या है, लौ पर ती और चाटी पर ना तीना, धाती धाती धाधा तीना, और दोस्तों इसमें क लगा देते हैं तो बोल सुनने में बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। देखिए तीना, इस प्रकार से तीना, धाती धाती धाधा धाती 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 धाधा तीना, ठीक है, धाती धाती धाधा धाती 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 धाधा तीना। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने अब सीख लिया, अब है दोस्तों खाली वाला भाग, ठीक है। तो देखिए खाली वाले भाग को कैसे बजाना है, तो खाली वाले भाग को दोस्तों, खाली वाले भाग का बोल पहले आप देख लीजिए, इस प्रकार है, ताती ताती ताता धाती 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 धाधा धीना, इस प्रकार है,
ठीक है। ताती ताती ताता धाती 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 धाधा, इस प्रकार है। अब देखिए इसे कैसे बजाना है। सबसे पहले ता, दोस्तों ता को कैसे बजाएंगे, मैंने आपको बताया था कि ता बजाने के लिए क्या करेंगे, चाटी पर आघात करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ता और ना चाटी पे बजेगी, ठीक है। तो ये हो गया ता, ठीक है। ता ती, ती स्याही के बीचों बीच, ठीक है, इसे कहेंगे ती, ता ती, इस प्रकार से ता ती ता ती, ठीक है, ता ती ता ती। अब आप लोग ये समझ गए होंगे ताती ताती, ठीक है। अब है ताता धाती, ता ता धाती, धा बजाने के लिए चाटी पर ना डगे पर घे, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा धा और ती, इसे कहेंगे ती, ठीक है। ताती ताती ता ता धाती, इस प्रकार से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई बोल समझने में ना आवे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकूं, ठीक है। जो भी बोलना समझ में आवे आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार है ताती ताती ताता धाती, ताती ताती ताता धाती, ठीक है। अब है धाती धाती धा धा धीना, धाती धाती धा धा धी ना, अब देखिए धाती धाती धा धा धीना को कैसे बजाएंगे। धा ती ती धा धा, ठीक है, धीना। धीना बजाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, चाटी पर तीन और डगे पर घे, तो घे जब बजाएंगे तो थोड़ा स्लाइड करेंगे इसे इस प्रकार, ठीक है, घे घे इस प्रकार घे, ठीक है, और तीन, ये दोनों को एक ही बार आघात करना है। तीन आपको सुनने में आता होगा, ठीक है, इस प्रकार से धिन, अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, धिन और चाटी पर ना धिनना, ठीक है। ताती ताती ताता धाती 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 धाधा धीना, अब सारे बोल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। धाती धाती धाधा धाती 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 धाधा धीना, ताती ताती ताता धाती 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 धाधा धीना, दोस्तों रियाज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, रियाज करने के लिए दोस्तों आप लोग ठा की लय में बजाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग मध्य लय में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, मध्य लय में इसे बजाएंगे, ठीक है। देखिए ठा की लय में किस प्रकार, और ठा की लय में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोल एक एक समझ में आवे, ठीक है। जब आप लोग तबले पर आप लोगों को फिंगर रखने आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जरूर से ज़रूर बोल बजाने आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ठा की लय में बजाएंगे। देखिए कभी भी किसी भी बोल को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ठा की लय में सीखते हैं, उसके बाद ही हम लोग दोगुन चौगुन जो भी करना होता है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको ठा की लय में बजाना है, ठा की लय में एक मात्रा बजाना, ठीक है। देखिए इस प्रकार धाती धाती धा धा धाती 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 धा धाती ना ताती ताती ता।